नमस्कार। आज 1 अप्रैल 2020 जिसका एडिटोरियल लेकर मैं हाजिर हूँ, तो चलिए बगैर देर करते हुए स्टार्ट करते हैं। बियॉन्ड सोशल डिस्टेंसिंग टू फाइट कोविड-19। सोशल डिस्टेंसिंग को भी छोड़ के हम कोविड-19 से कैसे फाइट कर सकते हैं। इन द ग्लोबल साउथ अ मिलिट्री स्टाइल लॉकडाउन थो इनएविटेबल गिवन द सरकमस्टेंसेस मे री इन्फोर्स प्रिजुडाइसेस। जो ग्लोबल का पूरा साउथ है वहाँ पर मिलिट्री स्टाइल में जो लॉकडाउन हुआ है वो किससे इनएविटेबली किस सरकमस्टेंस से होकर गुजरता है, वो एक रीइन्फोर्स करता है, फिर से किसी चीज़ को फोर्स करता है या फिर से सबल करता है किसी पूर्वाग्रह को। तो ये जो इन्होंने लिखा है वो आगे हम इस चीज़ में देखेंगे कि क्या बोलना चाह रहे हैं। इन्होंने लिखा है कलिंगा टूडर सिल्वा, ये जो राइटर्स हैं इन्होंने ये पूरा का पूरा एडिटोरियल लिखा है। आई एग्री विथ एरिक क्लेनेनबर्ग्स रिसेंट सबमिशन टू द न्यूयॉर्क टाइम दैट सोशल डिस्टेंसिंग एडवोकेटेड बाय हेल्दी अथॉरिटीज वर्ल्ड वाइड एज अ मीन ऑफ कम्बेटिंग द स्प्रेड ऑफ द कोरोना वायरस कैन ओनली बी पार्ट ऑफ द फायर फाइटिंग। ये सिर्फ किस चीज़ का पार्ट हो सकता है, सिर्फ कि फायर फाइटिंग के हिसाब से जो पार्ट हो सकता है कि जो अभी सोशल डिस्टेंसिंग का जो फिनोमेना लागू किया जा रहा है वो सिर्फ किस चीज़ का पार्ट हो सकता है, फायर फाइटिंग्स का। अब ये और थोड़ा सा क्लियर होगा जब हम आगे इसको देखेंगे। द रैपिड वर्ल्ड वाइड स्प्रेड ऑफ कोविड-19 हैज़ अ लॉट टू डू विद द फेल आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशंस इंक्लूडिंग द ट्रेवल इंडस्ट्रीज टूरिज्म एंड द न्यू लिबरल अटैक ऑन द यूनिवर्सल हेल्थ केयर। और ये रैपिड वर्ल्ड वाइड जो स्प्रीड है या फैलाव है कोविड-19 का, उसको ग्लोबलाइजेशन के गिरने के साथ साथ बहुत से काम हैं जो वो कर रहा है, इंक्लूडिंग द ट्रेवल इंडस्ट्रीज टूरिज्म इंडस्ट्री और न्यू लिबरल अटैक ऑन द यूनिवर्सल हेल्थ केयर सिस्टम। पूरे के पूरे टूरिज्म इंडस्ट्री पर उसने अटैक कर दिया है। ग्लोबलाइजेशन तो फैल आउट हो ही गया है। न्यू लिबरल अटैक किया है किससे, यूनिवर्सल हेल्थ पे, टूरिज्म इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर, ट्रेवल इंडस्ट्रीज को प्रभावित किया है। तो ये सब पे भी उसने साथ ही साथ क्या किया है, इफेक्ट डाला है। मोर एवर अनफेटर्ड प्रमोशंस ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग कैन री इन्फोर्स एग्जिस्टिंग सोशल प्रोजेक्ट प्रीजुडाइसिस ड्रिवन बाय द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। अनफेटर्ड का मतलब होता है निरंकुश, ठीक है, निरंकुश या जबरदस्ती। तो जबकि निरंकुश प्रमोशन ऑफ द सोशल डिस्टेंसिंग कैन री इन्फोर्स एग्जिस्टिंग सोशल प्रिजुडाइसेस ड्रिवन बाय द डिफरेंट फॉर्म ऑफ सोशल एक्सक्लूजन। और ये जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो कहीं ना कहीं कई फॉर्म में क्या करेगी, इस चीज़ को और बढ़ावा देगी कि आप उस चीज़ को जो पहले से पूर्वाग्रह ग्रसित थे या पहले से जो पूर्वाग्रह स्थित थे समाज में उसको और क्या करेगी, बढ़ावा देगी। अब ये इन्होंने कोरिया का क्या दिया है एग्जाम्पल, उसके रेफरेंस में दिया है द कोरिया एग्जाम्पल। इन इलस्ट्रेटिंग हाउ सोशल डिस्टेंसिंग एक्चुअली वर्क इन द पेरिफेरी आई विल ड्रॉ फॉर्म एग्जाम्पल फ्रॉम कोरोना अफेक्टेड कंट्रीज। द कोविड-19 एपिडेमिक इन साउथ कोरिया स्टार्टेड विद द कंट्रोवर्सियल सिन चियोनजी चर्च ऑफ जियोस विथ अ पर्सनली कल्ट सेंटर्ड अराउंड 88 ईयर ओल्ड ली मान ही आइडेंटिफाई एज अ मैसियनिक सेवियर। दिस कल्ट फैसिलिटेट द ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज फ्रॉम वुहान टू साउथ कोरिया बिकॉज ऑफ द फ्रिक्वेंट ट्रेवल अमंग इट्स फॉलोअर्स। अब यहाँ पे एक चर्च था जो 80 साल से अपनी 88 साल पुराना था, वो अपनी रिचुअल्स को काम कर रहा था, ठीक है। और एक जो सेवियर यहाँ पे एक ही मेसियनिक सेवियर हैं जो मतलब एक वहाँ का लेखा जोखा करते हैं वो, इनका नाम क्या था, मैन ही ली मैन ही, जो ये सब करते थे। तो इस कल्ट विशेष उसको जिम्मेदार ठहराया गया कि ये वुहान से क्या लेके आए हैं, ये एपिडेमिक या कोरोना वायरस लाए हैं, क्योंकि उनके जो फॉलोअर्स हैं वो कंटिन्यूसली क्या करते रहते थे, ट्रांसमिशन या मूवमेंट करते रहते थे चाइना टू साउथ कोरिया।
ठीक है, कॉन्सिक्वेंटली मोर देन हाफ ऑफ द कोविड-19 पेशेंट्स एट द ऑनसेट ऑफ द एपिडेमिक बिलोंग्स टू दिस रिलीजियस मूवमेंट, और मोर 50% जो मोर देन हाफ ऑफ द कोविड-19 जितने पाए गए वो उससे रिलीजियस मूवमेंट से बिलोंग करते थे, विच अकाउंटेड फॉर लेस देन 1% ऑफ द कोरियन पॉपुलेशन, और जो कोरियन पॉपुलेशन के लेस देन 1% थे। सोशल आइसोलेशन अमंग न्यू इमिग्रेंट इन कोरियन सिटीज वाज इंसिडेंटली अ मेजर इंसेंटिव फॉर पीपल टू ज्वाइन दिस कल्ट। सोशल डिस्टेंसिंग जो हुई न्यू इमिग्रेंट जो कोरिया में आए थे उनका एक मेजर कारण रहा, इंसिडेंटली एक मेजर इंसेंटिव बन गया कि वो इस कल्ट को क्या करें, ज्वाइन करें। इन दिस कॉन्टेक्स्ट सोशल डिस्टेंसिंग वाज नॉट पॉपुलर अमंग देम ड्यू टू द सिंपल रीजन दैट द मूवमेंट सर्व्ड एज अ एक्सटेंडेड फैमिली फॉर मैनी ऑफ इट्स मेंबर। इन दिस इंस्टेंस सोशल डिस्टेंसिंग वन सक्सेसफुली इंट्रोड्यूस मे हैव एक्चुअली सर्व टू द कंटेन द एपिडेमिक, बट इट ऑल्सो फर्दर स्टिग्माइज अ रिलीजियस ग्रुप ऑलरेडी इन द मार्जिन ऑफ कोरियन सोसाइटी इंटरफेयरिंग विद द डिसीज कंटेनमेंट। तो यहाँ डिसीज का तो सोशल डिस्टेंसिंग से उसमें लाभ हुआ ही, लेकिन साथ ही साथ क्या हुआ कि जो इंटरफेयर किया इस कल्ट ने या रिलीजियस इंटरफेयर भी इसके साथ उसको भी बढ़ावा मिला। ईरान बिकम अ लीडिंग कोविड-19 हॉटस्पॉट इन वेस्ट एशिया ड्यू टू द यूनिक सेट ऑफ सर्कमस्टेंसेज। और ईरान जो वेस्ट एशिया में है वो एक उभरता हुआ हॉटस्पॉट उभर के निकला है, उसके कुछ अपने अलग सर्कमस्टेंसेज हैं, उनके कुछ अपनी स्तर हैं। इट वॉज कंपेल्ड टू डेवलप टाई विद चाइना ड्यू टू द इकोनॉमिक सेंक्शन इम्पोज बाई US लेड वेस्टर्न कंट्रीज। और जो US ने उस पर ईरान पे जो सेंक्शन लगाए थे तो वो उसका झुकाव कहाँ हो गया था, चाइना की तरफ, और उसका जो व्यापार था मोस्टली चाइना से हो रहा था। एन ईरानियन ट्रेडर हु मेड अ बिजनेस ट्रिप टू वुहान वाज रिपोर्टेड दैट वेरी फर्स्ट कोविड-19 पेशेंट इन ईरान। जो एक वहाँ का बिजनेस पर्सन था वो वुहान से ईरान आया, वो सबसे पहला पेशेंट था जो आइडेंटिफाई एज अ कोविड-19 हुआ वहाँ पे ईरान में। द इनिशियल हब ऑफ द डिसीज ट्रांसमिशन इन ईरान वाज कोम, अ पॉपुलर पिलग्रम सेंटर। पहला जो सेंटर था या इनिशियल हब था वो कोम, वहाँ की जो सिटी है वो हुई, जो कि एक पिलग्रम या तीर्थ यात्रियों के लिए एक पवित्र टाइप की सिटी थी वहाँ पे, फॉर सिया मुस्लिम, जो सिया मुस्लिम के लिए थी। द नेक्स्ट सेंटर वाज द ईरानियन पार्लियामेंट, दूसरा सेंटर था ईरानियन पार्लियामेंट। हैविंग स्ट्रॉन्ग टाई विद द कोम द स्पिरिचुअल हब ऑफ द ईरानियन सोसाइटीज। अब दूसरा क्या होगा, पार्लियामेंट जो कि स्पिरिचुअली थियोक्रेटिक कंट्री है, तो स्पिरिचुअली उसका एक दूसरे से कनेक्शन था, तो वो उस कोम शहर से या कोम हॉटस्पॉट से वो कंटिन्यूसली क्या थे, अटैच थे। एज मैनी एज 23 पार्लियामेंट्रियन कंप्राइजिंग 8% ऑफ ऑल MPs वर इन्फेक्टेड विद द डिसीज बाय मार्च 3, और कम से कम 23 सांसद मार्च 3 तक अफेक्टेड हो गए थे। सोशल डिस्टेंसिंग वाज कॉन्ट्ररी टू पॉपुलर फॉर्म ऑफ द सोशल ग्रीटिंग इन ईरान, पर्टिकुलरली अमंग द रूलिंग इलाइट। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही साथ उसी के समकालीन सोशल ग्रीटिंग भी क्या हो गई, पॉपुलर हो गई। इंट्रोड्यूस इन ईरान थ्रू ग्लोबलाइजेशन ट्रिगर्ड इंटरनेशनल अलाइनमेंट एंड इनक्यूबेट थ्रू द पॉलिटिकल एंड रिलीजियस प्रोसेस। तो यहाँ पे जो ये पूरा का पूरा कोविड-19 का किस किस से हुआ, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू और फिर पॉलिटिकल एज वेल एज रिलीजियस प्रोसेस के थ्रू ट्रिगर हुआ या वहाँ पे चला। स्प्रेड इन श्रीलंका, अब श्रीलंका की बात करते हैं। द ऑनसेट ऑफ द कोविड-19 एपिडेमिक इन इंडिया एंड श्रीलंका हैज़ लॉट टू डू विद द टूरिज्म एंड लेबर माइग्रेशन प्रोसेस इनिमेटली कनेक्टेड विद ग्लोबलाइजेशन। और ये दोनों प्रोसेस सबसे पहले किस किस से, टूरिज्म एज वेल एज किस से हुआ, जो लेबर का यहाँ माइग्रेशन होते हैं, यहाँ लेबर का जाना आना, तो उन दोनों चीज़ों से इंडिया और श्रीलंका में मोस्टली वो फैला, जो एक ग्लोबलाइजेशन का क्या है, पार्ट है। बोथ इंडिया एंड श्रीलंका द फर्स्ट केस वाज रिपोर्टेड अमंग फॉरेन टूरिस्ट फ्रॉम इटली एंड चाइना रेस्पेक्टिवली। तो सबसे पहले क्या है, श्रीलंका में, इंडिया में क्या है, इटली से, और श्रीलंका में क्या है, चाइना से, जो फर्स्ट कोविड-19 केस फाइंड हुआ या पाया गया। द टूर गाइडेड
वुड ट्रेवल विद द रेस्पेक्टिव टूरिस्ट एंड देयर कॉन्टैक्ट बिकम द फर्स्ट सेट ऑफ लोकल पीपल एक्सपोज टू द डिसीज ट्रिगरिंग लोकल ट्रांसमिशन। और जो उनके साथ जो गाइड आए, जो जो टूरिस्ट थे उनको, जो जिन्होंने गाइड किया और उनके जो कांटेक्ट में आए, वो सबसे पहले क्या लोकल ट्रांसमिशन का क्या बने, हिस्सा बने। बोथ श्रीलंका एंड केरला इन इंडिया हैव लार्ज पोर्शन ऑफ देयर लेबर फोर्स एम्प्लॉय ओवरसीज। श्रीलंका एंड केरला इन इंडिया हैव लार्ज पोर्शन ऑफ देयर लेबर फोर्स एम्प्लॉय ओवरसीज, कि यहाँ पर केरला के वहाँ श्रीलंका में चले जाओ तो श्रीलंका के ओवरसीज या विदेशों में ज़्यादातर क्या कर रहे हैं, काम कर रहे हैं लोग। रिटर्निंग फ्रॉम दीज ओवरसीज डेस्टिनेशन हैव कंट्रीब्यूट टू द अपसर्ज ऑफ द कोविड-19 एपिडेमिक इन साउथ एशियन कंट्रीज। फॉर इंस्टेंस, अमंग 18 कन्फर्म्ड कोविड-19 पेशेंट्स इन श्रीलंका बाय मार्च 15, एज मैनी एज 11 वर श्रीलंका रिटर्नीज फ्रॉम द इटली, अ पॉपुलर डेस्टिनेशन फॉर श्रीलंकन माइग्रेंट वर्कर फ्रॉम 1919। 1919 से ही इटली में जाना लोग पसंद करते हैं श्रीलंका से। और उसमें से जो 15 मार्च 15 को जो 18 पेशेंट आए, उन उसमें से 11 कौन थे, जो इटली से लौटे थे। तो ये पूरे के पूरे क्या थे, विदेशी थे या जो नॉन रेसिडेंशियल कंट्री में जो इमिग्रेंट टाइप के थे। ठीक है, दस इंपॉर्टेंट केस दोज डायरेक्टली एक्सपोज टू देम कंप्राइज ओवर 90% ऑफ ऑल कोविड-19 केसेज डिटेक्टेड इन श्रीलंका एज ऑफ मार्च 2020। रफली अबाउट 20.5% कन्फर्म केसेस आर कनेक्टेड विद टूरिज्म। तो जो भी मतलब 90% जो केसेस जो डिटेक्टेड हुए थे 22 मार्च तक, उसमें से जो 20% केसेस थे वो डायरेक्टली टूरिज्म से रिलेटेड थे। नियरली 60% ऑफ ऑल केसेस आर अमंग श्रीलंका वर्कर्स रिटर्निंग फ्रॉम अब्रॉड एंड देयर कॉन्टैक्ट इंडिकेटिंग दैट एक्सपोजर ऑफ डिसीज थ्रू ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट हैज ट्रिगर्ड द एपिडेमिक इन श्रीलंका। और जो 60% थे ओवरऑल, वो किससे आए थे, जो वर्कर फॉरेन ओवरसीज से, जो वर्कर लौटे थे विदेशों से, जो काम करने वाले लौटे थे उनसे फैले हुए थे। कंसीडर दैट नियरली 50% ऑफ द एंटायर कैश लोड इन श्रीलंका इन अमंग वर्कर एंड रिटर्निंग फ्रॉम इटली, इज इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट मैनी श्रीलंकन वर्कर इन इटली वर्क एज लिव इन केयर गिवर ऑफ एल्डरली प्यूपल्स। और जो श्रीलंकन वर्कर जो लौटे थे वो ज़्यादातर इटली में क्या काम करते थे, बूढ़ों की सेवा करना या बूढ़ों वृद्ध लोगों को सहायता देना, ये इन सब टाइप के काम वहाँ पे करते थे। द स्पर ऑफ द केसेस ऑफ इंडियन ओरिजन लेटली हैज लेड आइडेंटिफिकेशन ऑफ द चेन्नई एज अ हाई रिस्क। यहाँ पे स्पर्ट का मतलब होता है उछाल। ठीक है, तो ये आप मार्क कर लीजिएगा या लिख लीजिएगा कहीं नोट पे। मैं कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट सेशन से मैं अलग अलग उसको डिफाइन करूँ, आपकी मीनिंग से भी इसमें से निकाल के रख दूँ। द एक्सपर्ट ऑफ केसेस ऑफ इंडियन ओरिजन लेटली हैज लेड द आइडेंटिफिकेशन ऑफ चेन्नई एज अ हाई रिस्क। और मतलब चेन्नई को हाई रिस्क बताया गया, जो उछाल आया वो चेन्नई से आया। रीजन इन श्रीलंका, दस द कोविड-19 पेंडेमिक कैन बी सीन एज अ फेल आउट ऑफ ग्लोबलाइजेशन पर्टिकुलरली इन द ग्लोबल साउथ। और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कोविड-19 का जो है फैल आउट है किस चीज़ का, ग्लोबलाइजेशन का, और जनरली इन ग्लोबल साउथ में। द क्वारंटीन एंड द सोशल डिस्टेंसिंग प्रोसेस मे नॉट बी टोटली इफेक्टिव इन सो फॉर एज दीज वर्कर एंड देयर फैमिली आर ऑफन इन बिटवीन टू स्टेट एक्सपीरियंसिंग डिफिकल्टी एट बोथ एंड। और अभी तक जो सोशल डिस्टेंसिंग या क्वारंटीन का जो अभी मेजर किए जा रहे हैं या जो उपाय किए जा रहे हैं, वो अभी तक क्या उतने सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ये डिफ़िकल्टीज फेस कर रहे हैं स्टेट टू स्टेट के बिटवीन। द वर्कर्स रिटर्निंग फ्रॉम इटली एंड साउथ कोरिया वर द फर्स्ट टू बी सेंट टू द क्वारंटीन सेंटर इन बाटिकलो इन कडाकाउ फ्रॉम द मार्च 10। मार्च 10 से जो श्रीलंका और साउथ कोरिया से बाहर से लोग आ रहे हैं उनको क्वारंटीन सेंटर में भेजा जा रहा है। कहाँ के क्वारंटीन सेंटर में, ये कंडाकाडू और बाटिकोला, ठीक है, यहाँ पे भेजा जा रहा है। इनिशियली दे रिजेंटेड द मैंडेटरी 2 वीक क्वारंटीन इन अ रिमोट लोकेशन। वो 2 वीक तक उनको वहाँ रखा जाएगा क्वारंटीन रिमोट लोकेशन में। बट माइग्रेंट वर्कर एंड टूरिस्ट गाइड ऑलरेडी एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन और वेरियस काइंड ऑफ बिकॉज ऑफ देयर ऑक्यूपेशन एंड रिस्क इन्वॉल्व।
अ मिलिट्री स्टाइल लॉकडाउन थ्रू द इनएविटेबल गिवन द सर इनएविटेबल मतलब अनिवार्य रूप से गिवन द सर्कमस्टेंसेज एंड लाइकली टू री इन्फोर्स द एग्जिस्टिंग प्रिजुडाइसेस। टूरिस्ट इंडस्ट्रीज के लोग हैं और वो हैं वो सब के सब क्या मिलिट्री स्टाइल में जो लॉकडाउन हुआ है उससे वो क्या चैलेंज फेस कर रहे हैं, मतलब प्रिजुडाइसेस का नहीं आपके पास तो टूरिस्ट आते थे तो आप तो संक्रमित हो गई, इस टाइप की चीज़ें लोगों के बीच में घर कर रही हैं। दिस क्लियरली सो दैट वी नीड टू थिंक बियॉन्ड सोशल डिस्टेंसिंग एंड एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ द फेल आउट फ्रॉम ग्लोबलाइजेशन एंड डीलिंग विद द पेंडेमिक इन द ग्लोबल साउथ। और हमें इन सोशल डिस्टेंसिंग और क्वारंटीन से ऊपर हटकर जो ग्लोबलाइजेशन का ह्रास हो रहा है या उसका जो लॉस हो रहा है उससे डील करने के बारे में सोचना चाहिए। इट अपियर एज इफ मच पब्लिश्ड प्रॉब्लम ऑफ द रन अवे वर्ल्ड हैव बीन फाइनली क्रिस्टलाइज्ड इन दिस डीडली ग्लोबल एपिडेमिक। और अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो वर्ल्ड जो है क्रिस्टलाइज मतलब अलग अलग हो जाएगा इन चीज़ों को लेकर और ये पूरा का पूरा जो ग्लोबलाइजेशन जो है फैल आउट हो जाएगा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज एडिटोरियल, आई होप यू एन्जॉय। और अभी तक आपने सब्सक्राइब शेयर और लाइक ना किया हो तो प्लीज़ डू इट, थैंक यू।